Hello friend, what's up? Myself Suhail और आज हम ड्राइव करेंगे कोटा जन शताब्दी. और हमारी जो कोटा जन शताब्दी है वो कोटा जंक्शन पर खड़ी हुई है. तो चलिए यहाँ से डिपार्ट करते हैं अपने पैसेंजर व्यू में. हमारे साइड से कोई ट्रेन भी निकल रही है जो कि किसी वैम 4 के साथ है. पैसेंजर व्यू अच्छा नहीं है, हम तो बाहर के व्यू में ही जाएंगे. ये व्यू सबसे अच्छा है. और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि ये जो मेरे पास वर्ज़न है ये अब तक आपको नहीं मिलेगा. ये वर्ज़न अब 1 ईयर बाद जो है वो मिलेगा आपको. और ये अब स्पीड जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं. और हमें जो इंजन मिला है वो वडोदरा शेड का वेब 5 है, अमूल वेब 5, जिसे कि आप सबको पता है. चलिए पैसेंजर व्यू में ही चलते हैं. स्पीड जो है वो 50 की कर लेते हैं, 51 की कर देते हैं. चलो और जो इसके स्टॉप्स पड़ते हैं हम इसे नई दिल्ली तक ले जाएंगे. और इसका अभी मैंने कोई भी स्टॉप नहीं करा है. यार मुझे इधर की साइड पे बैठना था कोई. और हमारे जो लोगों के अंदर का कैब है वो भी काफ़ी शानदार है, पर इस वर्जन में हम इसे हिला नहीं सकते यार. और स्पीड लिमिट इसकी 160 की यहाँ पे लिख रखी है. चलिए अपने पहले जैसे व्यू में जाते हैं और ये स्पीड डिक्रीज कर लेते हैं और फिर से इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि ग्रीन सिग्नल हो ही गया है. 48 की स्पीड से तो नहीं, 51 की से चलेंगे. अब थोड़ा बढ़ा देते हैं और कर लेते हैं 60 की. पूरी तेज़ हॉकिंग के साथ जाएंगे. और कोई क्रॉसिंग भी नहीं है अभी तक तो नहीं है. फिलहाल इस रूट पे तो हमारी ट्रेन सबको ओवरटेक मारेगी क्योंकि जन शताब्दी जो है अगर गतिमान आ गई तो चांसेस हैं, या आ गई अगर शताब्दी आ गई तो भी चांसेस हैं. वैसे तो हम सभी को ओवरटेक मार देंगे. हमने एक वैम 4 को भी ओवरटेक मारा था पीछे जो किसी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ खड़ा हुआ था. चलिए स्पीड डिक्रीज कर लेते हैं. और हमारा सिग्नल जो है वो आगे रेड है और हम एंटर हो गए मथुरा जंक्शन में.
और ये बस 1 मीटर की दूरी हो गया। अरे आवाज कैसे डरावनी हो गई थी यार, शायद आपने भी सुनी होगी। हाँ तो जो हमारा अगला रूट है वो लोडिंग हो रहा है अभी, और जो हमारा वो है वो लोडिंग हो चुका है, अभी स्टार्ट होने में थोड़ी सी देर लेगा ये। और जो है वो लोडिंग हो रहा है। और यहाँ पे एक वेज 9 दिखा रखा है पिक्चर में। और चलिए, और हमारी जो कोटा जन शताब्दी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, मथुरा जंक्शन पर खड़ी हुई। मुझे लगता है अब शताब्दी के साथ हमारी पैरल रेस होगी यार, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। या मुझे लगता है हमने ही ओवरटेक मार दिया, चलिए देखते हैं। कोई ओवरटेक तो नहीं मारा, इसको डिपार्टिंग का टाइम हो चुका है। चलिए पैरल रेस करते हैं आखिर, जिसका मुझे पूरी रोड इंतज़ार रहता है। अपने पैसेंजर व्यू में इसका मज़ा लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी साइड वाली खिड़की में शताब्दी आगे निकल गई है। और ये देखिए शताब्दी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, पैरल रेस है, नहीं तो आउट होएंगे और नहीं आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा ऐसे पैरल रेस करने में, शताब्दी के साथ चलने में बहुत ही मज़ा आएगा। और इसने स्पीड डिक्रीज कर ली यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा नहीं, ये अहमदाबाद की तरफ निकल गई शायद। हाँ ये लाइन उधर ही जाती है, ये तो अहमदाबाद को निकल ली। कौन सी पैरल रेस को सोच रहा था मैं। और ये कोई और जो है वो आ चुकी है, चलिए हम चलते हैं दिल्ली। और पैसेंजर व्यू का तो मज़ा ही नहीं आया। और लो शायद हमारा दिल्ली आ गया, शायद ही नहीं सच में आ गया, लेकिन हमारा दिल्ली नहीं, हमारा हज़रत निज़ामुद्दीन आया है। लेकिन यहाँ पे तो स्टॉप है ही नहीं, तो चलिए चलते हैं फुल स्पीड में। और हमारी 108 की स्पीड हो रही है। ये बैनर काफ़ी शानदार है, एयरटेल का है। आजकल तो सबके पास जियो ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 1 मार्च से जियो भी फ्री हो गया है। और हमारा ट्रैक भी चेंज हो गया है, चलिए स्पीड डिक्रीज कर लेते हैं। अब हम दिल्ली के करीब ही हैं, तो 20 की स्पीड से जाएंगे। और हमारे साइड से किसी गाज़ियाबाद शेड के वेब P7 के साथ साथ डुरंटो एक्सप्रेस गई है टूवर्ड्स निज़ामुद्दीन स्टेशन, हज़रत निज़ामुद्दीन। सर हो जाती नहीं गलती है मुझसे, प्लीज़ इन्हें इग्नोर कर दीजिए। और अब हम पहुंच ही गए हैं, तो डिक्रीज कर 9 पे रख लेते हैं। और जब तो सॉरी सॉरी, जो हम पीछे से स्टेशन से गए थे वो पलवाल था, और ये है हज़रत निज़ामुद्दीन। सॉरी गाइस सॉरी। चलिए अब अपनी डेस्टिनेशन भी आने वाली है, तो पालवाल से थोड़ी धीमी स्पीड में निकलेंगे। और हमारे साइड में कोई गाज़ियाबाद वेब P7 का शेड का इंजन विद सम ICF कोचिस, मुझे लगता है कोई एक्सप्रेस ट्रेन ही है, शायद कोई पैसेंजर ट्रेन हो। इससे तो सिग्नल बिल्कुल है यार,
यार ये कोटा जन शताब्दी का सिग्नल तो मार देते हैं। चलिए थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं और हमारे सिग्नल है, हम मतलब जन शताब्दी से आए यार, हमारी उससे भी बढ़िया है, हमें उसे ओवरटेक मारना चाहिए और हमारी कोई ये ओवरटेक मरवा रहे हैं किसी और से। देखिए हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है, जन शताब्दी एक्सप्रेस। चलो सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है, भी स्पीड इंक्रीज करने का फ़ायदा आ गया। और हमारी ट्रेन जो है वो जा रही है टूवर्ड्स दिल्ली स्टेशन। थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं 30 पर। ये इस कोच की आवाज़ तो ऐसी कर रखी है जैसे ICF की हो। इस गेम में चाहे गतिमान भी दे दो लेकिन वो आवाज़ नहीं आने की जो गतिमान के कोई चीज़ में आती है। ICF की आवाज़ देते हैं यार ये लोग। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बाद जौन सा भी वर्जन होगा उसमें प्लीज़ यार ये लोग ज़रूर उतार दें कोचिज की आवाज़। और हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली। कोई W4 विद सम एक्सप्रेस ट्रेन टूवर्ड्स हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। स्पीड कुछ ज़्यादा स्लो हो गई यार। और जो है हमारा सिग्नल है वो ऑलमोस्ट, चाहे हम कितनी देर यहाँ पर खड़े रहें ये सिग्नल हमारा जो है वही रहेगा। मतलब बस स्टॉप का है आ गया वही सिग्नल रहेगा। वैसे इस नए वर्जन में काफ़ी अच्छे अच्छे रूट्स उतर गए हैं, मैंने उन्हें डाउनलोड करने की कोशिश करी लेकिन अभी वो पब्लिक में खुद ही नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए सॉरी गाइस। और अब हम पास आ रहे हैं न्यू दिल्ली के। चलिए स्पीड डिक्रीज कर लेते हैं। और हमारे साइड से कोई WG4 विद फ्लैट बेड खड़ा हो गया और ये आगे की तरफ से भागा कि ये यहीं तक आना होगा। अरे ये मालवाड़ी थे इसको इतनी जल्दी सिग्नल दे दिया और हमारा सिग्नल तो घंटों मारे रखते हैं ये लोग। चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखें और देखते रहें मेरी वीडियोस। बाय।